नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल खाना खजाना भी सास बहू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोभी की सब्जी। वैसे तो गोभी की सब्जी सभी को बनानी आती है, लेकिन हम आज कुछ अलग तरीके से बनाना सिखाएंगे। अगर आप इस तरह से गोभी की सब्जी बनाएंगे तो हलवाई से भी अच्छी आपकी गोभी की सब्जी बन करके तैयार होगी। यहाँ पर हमने गोभी को इस तरह से कट कर लिया है और आलू को छील कर लंबे लंबे स्लाइस में इस तरह से कट किया हुआ है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम प्याज, लहसुन, अदरक तीनों चीज़ों का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो हमने गोभी और आलू को कट करके रखा हुआ है उसका सैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालकर गोभी और आलू को सैलो फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है और इसको हम ढक देंगे, ढककर इसको फ्राई होने देंगे। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं और हम इनको चेक कर लेंगे। आलू और गोभी दोनों अच्छी तरह से फ्राई होते हुए गल गए। देखिए इस तरह से स्टिक से चेक कर लेंगे, गोभी भी गल गई है हमारी और आलू भी। और हम इन दोनों को एक प्लेट पे निकाल कर रख लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है उसी कढ़ाई में। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसको डालेंगे। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। हींग डाल देंगे हम इसमें और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर और यहाँ पर हमने दो टमाटर की बनाई हुई है और इसको डालकर अच्छी तरह से कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें जिससे हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाए। और अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए और इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला हमारा पक गया है और हम इसमें अपना की इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। एक चम्मच बेसन डालेंगे इसमें, और इसको चलाकर अच्छी तरह से भून लेंगे। और हम इसमें डालेंगे एक चम्मच फ्रेश मलाई और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से चलाकर। और हम इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच दही, दही डालकर हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और हम इसमें डालेंगे फ्राई की हुई गोभी और आलू। फ्रेंड्स, मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। अगर मसाला अच्छी तरह से भुनेगा नहीं तो गोभी की सब्जी हमारी टेस्टी नहीं बनेगी, इसलिए हमें मसाला अच्छी तरह से भून लेना है। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारी गोभी की सब्जी बन करके तैयार है। आप लोग इस तरीके से एक बार गोभी की सब्जी बनाएं जरूर। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमें बनाएं, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।